उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। आज हमारा प्रेजर ऑफ जेंडर का सेकंड लेक्चर है। इसमें भी हम इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे। लास्ट क्लास के अंदर हमने आपको नाम डिस्कस किया था प्रेजर ऑफ जेंडर के हवाले से। प्रेजर ऑफ जेंडर किन जगहों पे लोकेट हुआ है, किन जगहों पिक्चराइज हुआ है, जिसमें हमने आपको रिटेनिया का नाम बताया था, इंग्लैंड और पेरिस का नाम बताया था। फिर इसके अलावा हमने आपको रिटेनिया कैपिटल की बात बताई, जिसका नाम था इस्ट्रेल्सा। जेंडा का बताया था, बॉर्डर्स के एरियाज बताए थे, वो बात की बात हम आगे करेंगे। लास्ट क्लास हमने जो एंड की थी वो हमने एंड की थी कहाँ पर, जिसमें हमने आपसे डिस्कस कर लिया था किंग रुडोल्फ एल्बर्ट के बारे में, कि किंग रुडोल्फ एल्बर्ट जो है वो कौन है, ठीक है ना। इसके बाद हमने आपको प्रिंसेस फ्लाविया के हवाले से कुछ समझा दिया था, होपफुली आपको याद होगा। और फिर उसके बाद एक और कैरेक्टर था जिसका नाम हमने आपको बताया था ब्लैक माइकल। ब्लैक माइकल के बारे में भी हमने आपको अच्छा खासा समझा दिया था। आज हम मज़ीद आगे बढ़ेंगे एक और कैरेक्टर के बारे में, जिसका नाम है मदाम, सही है ना, एंटोनेट, ए एन टी ओ एन आई डबल टी, एंटोनेट डी मोबान, सही। ये चार लोग नहीं हैं, ये एक ही नाम है। इनका नाम है मदाम एंटोनेट डी मोबान। और आपको याद होगा हमने आपको बताया था कि ये कहानी जो है दो जगहों पर पिक्चराइज है। एक तो मेन हमने आपको बताया था जिसका नाम था रूरिटानिया। असल तो कहानी हमारी ये है और ये सारे करेक्टर तकरीबन रूरिटानिया के ही हैं। और हमने आपको बताया था कि कुछ जो लोकेशन है हमारी वो इंग्लैंड में भी जो है कह लें कि पिक्चराइज हुई हैं, और कुछ बातें हमारी पेरिस का भी हिस्सा है। तो आज हमने जो आपके सामने मदाम एंटोनेट डी मोबान का नाम लिखा है, ये बेसिकली रूरिटानियन नहीं है, इनका ताल्लुक रूरिटानिया से नहीं है, बल्कि इनका ताल्लुक जो है वो कहाँ से है, वो इंग्लैंड से। यानी मदाम एंटोनेट डी मोबान जो हैं वो इंग्लैंड से बिलोंग करती हैं। और इस कहानी में हम ये देखेंगे, हम ये देखेंगे कि ये इंग्लैंड से कहाँ आई हैं, ये रूरिटानिया आई हैं, और किससे मिलने के लिए आई हैं, ये मिलने के लिए आई हैं किससे, ब्लैक माइकल से। सवाल ये सर, ऐसा क्या रिश्ता है इनका कि मोबान इतनी दूर से अपना मुल्क छोड़कर एक नए रियासत में ब्लैक माइकल से मिलने आई हैं। तो देख, असल में मदाम एंटोनी डी मोबान जो हैं वो इंतहाई अव्वल दर्जे की मोहब्बत करती हैं, किससे, ब्लैक माइकल से, लव करती हैं, सही ना। और ब्लैक माइकल भी ऐसा लगता है कि इनसे मोहब्बत करता है, लेकिन हम आपको रियलिटी बता देते हैं कि मदाम एंटोनी डी मोबान तो वाकई में बहुत बे इंतहा मोहब्बत करती है ब्लैक माइकल से, सीरियसली मोहब्बत करती है। लेकिन ब्लैक माइकल जो है वो मोबान से बहुत, तो क्या, बहुत थोड़ा सा भी लॉयल नहीं है। यानी दिखावे के लिए वो ऐसा शो करता है कि ब्लैक माइकल जो है मोबान से मोहब्बत करता है, लेकिन वो मोबान से मोहब्बत नहीं करता। तो सवाल ये सर, ये फिर किससे मोहब्बत करता है, ये जो है ये मोहब्बत करता है, गलत लिख दिया मैंने, उल्टा लिख दिया, माफ़ कीजिएगा, कुछ ज़्यादा आगे चल गया था यार। ये जो है इश्क में गिरफ्तार होने की कोशिश कर रहे हैं किसके, प्रिंसेस फ्लाविया। सवाल ये सर, प्रिंसेस फ्लाविया से क्या वाकई में ही मोहब्बत करते हैं, नहीं नहीं नहीं, ब्लैक माइकल किसी से भी मोहब्बत नहीं करता, ब्लैक माइकल सिर्फ अपने आप से मोहब्बत करता है। तो सवाल ये है सर, मदाम जब इससे मोहब्बत कर रही है और ये भी ऐसा लगता है कि मोहब्बत करता है, तो ये वहां क्यों जा रहा है। असल में मैंने बताया ना कि ब्लैक माइकल को ना मोबान से मोहब्बत है, ना प्रिंसेस फ्लाविया से मोहब्बत है, बल्कि इससे सिर्फ मोहब्बत है किससे, थ्रोन से, थ्रोन मतलब तख्त ताज से मोहब्बत है। जैसे मैंने वो लास्ट में बताया था कि असल वजह क्या है कि ब्लैक माइकल और किंग रुडोल्फ एल्बर्ट के फादर तो एक ही हैं, सही है, जो कि प्रीवियस किंग है, यानी इनके जो पहले बादशाह हैं, जो प्रीवियस बादशाह हैं, जो इन दोनों के फादर हैं, ब्लैक माइकल के और रुडोल्फ एल्बर्ट के, ठीक है ना। लेकिन चूंकि रुडोल्फ एल्बर्ट की जो मदर थी वो रॉयल फैमिली से थी, शाही खानदान से थी, तो इसीलिए बाप के बाद अगर बादशाह बनाया जा रहा है तो रुडोल्फ एल्बर्ट को बनाया जा रहा है, क्योंकि वो रॉयल वाली वाइफ का बेटा है। और ब्लैक माइकल भी बादशाह का बेटा है, लेकिन ब्लैक माइकल की जो मदर है बेसिकली वो कौन थी, वो एक सर्वेंट थी। और सर्वेंट के बेटे को हमने बताया था लास्ट टाइम कि कहा जाता है मॉर्गेनेटिक चाइल्ड,
और ऑफिशियली तौर पर इनका तख्त ताज में, जायदाद में, दौलत में, धन दौलत में, किसी चीज में कोई इनका शेयर नहीं है, सही। तो मसला क्या है? तो ब्लैक माइकल कह रहा है भाई चूंकि हम भी बादशाह की औलाद है तो हमें भी क्या किया जाए, हमें भी बादशाह बनाया जाए। लेकिन तारुण ये कह रहा है कि नो, आप बादशाह नहीं बन सकते। तो ब्लैक माइकल ने कहा ठीक है, अगर हम बादशाह नहीं बनते तो फिर हम बादशाह बनने भी नहीं देंगे। तो असल फड्डे की वजह क्या है? तख्तो ताज, सही ना। जिसको तख्तो ताज मिल रहा है वो बागले नहीं है, उन्हें उसकी वैल्यू का पता ही नहीं है। दूसरी तरफ जिसे नहीं मिल रहा वो कह रहा है कि मुझे तख्तो ताज पर हर हाल में कब्जा करना है। लेकिन कानून ये कह रहा है कि जी नहीं, यू आर नॉट एलिजिबल, आप इस काबिल नहीं है कि आपको बादशाह बनाया जाए क्योंकि आप बादशाह की औलाद ही नहीं, आप तो नौकरानी की औलाद है। तो ब्लैक माइकल का शुरू से आखिर तक इंटेंशन क्या रहेगा? इस बादशाह को नुकसान पहुंचाना और इसकी बादशाह को नुकसान पहुंचाना, ये शुरू से आखिर तक इस ब्लैक माइकल का इंटेंशन रहेगा। और सवाल मैंने जो करा था कि ब्लैक माइकल ओमान के बजाय इधर क्यों अट्रैक्ट हो रहा है, असल में ब्लैक माइकल को बताया था डायरेक्टली तौर पर मैं बादशाह नहीं बन सकता क्योंकि जाहिर सी बात है वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता, जब इलेक्शन नहीं लड़ सकता तो जाहिर सी बात है वोट ही नहीं पड़ सकता। और प्लस रूरी टेनिया की आवाम भी जानती है कि ब्लैक माइकल जो है वो रॉयल कहने के हियर नहीं है, रिसीवर नहीं है इसका। तो लिहाजा इसको डायरेक्टली तौर पर तो तख्तो ताज कभी भी नहीं मिल सकता। तो इसने क्या डिसाइड किया? इसने कहा क्यों ना प्रिंसेस फ्लाविया को अपने मोहब्बत के जाल में फंसाया जाए, क्योंकि प्रिंसेस फ्लाविया तो अभी भी प्रिंसेस है और कभी ना कभी ये मलका बनेगी, क्वीन बनेगी, और अगर मैं इससे शादी कर लेता हूँ तो मैं भी क्या बन जाऊंगा, प्रिंसेस का शौहर होने की वजह से मैं भी क्या हो जाऊंगा, ऑटोमेटिकली बादशाह बन जाऊंगा। तो ये इसका एक इंटेंशन था। लेकिन आप जानते हैं चूंकि विलन है और विलन तो आखिर में जो है वो नुकसान ही उठाता है, कभी उसके इंटेंशन पूरे नहीं हो पाते। तो ब्लैक माइकल का ये इरादा है। तो एक तरफ वो लगा पड़ा हुआ है किसको कहने कंफर्म करने के लिए, प्रिंसेस फ्लावी को तरफ करने के लिए, और दूसरी तरफ वो मोबान को झूठे दिलासे दे रहा है कि वो उससे मोहब्बत करता है। लेकिन बाद मोबान जो है वो बड़ी संजीदा है इसके लिए, बड़ी सीरियस है, ठीक है ना, और वो इतनी दूर से इसके पास आई हुई है, ठीक है, और यहीं रह रही है। अब सीन बेसिकली क्या है कि मोबान यहाँ आ तो गई है लेकिन मोबान को अभी तक पता नहीं है कि ब्लैक माइकल सिर्फ उसको यूज कर रहा है, सही ना, अपने इविल इंटेंशंस के लिए, अपने बैड इंटेंशंस के लिए, सही। तो खैर लेकिन बाद में आगे चले के मोबान को भी रियलाइज हो जाएगा कि काला माइकल इज नॉट सिंसियर विद हर, सही है। अच्छा एक और बड़ी अहम बात मोबान के बारे में, मोबान जो है वो इंग्लैंड से बिलोंग करती है और ये बिचारी कौन है, ये एक विडो है, बेवा है, इसके शौहर जो है वो इंतकाल कर चुके हैं, ठीक है ना। और इसके अलावा विडो के अलावा काफी ज्यादा रिच है, यानी बहुत अमीर औरत है ये, सही ना। किताब में इसके लिए एक वर्ड इस्तेमाल करा गया है हैंडसम का, और आप ये जानते हैं, सही ना, पत्नी की आता ही नहीं आता, आखिर में आता ही, ठीक है ना। तो रिच है, काफी काफी हैंडसम का वर्ड कहा गया है, हैंडसम से मुराद ये है काफी ज्यादा मॉड किस्म की खातून है और काफी रिच भी है और काफी पर्सनैलिटी वाली है, एटीट्यूड वाले भी। हालांकि नॉर्मली हम जानते हैं कि हैंडसम जो है मर्दों के लिए इस्तेमाल होता है और ब्यूटीफुल जो है वो खवातीन के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन बाहर किताबें हमारे हम क्या कर सकते हैं। तो वहां मेंटेलिटी मोमान को कहा गया, विडो कहा गया, रिच कहा गया और हैंडसम पर्सनैलिटी कहा गया, ठीक है। तो और अच्छा, अब मैं जैसे मैंने शुरू में आपसे कल कहा था कि किंग रुडोल्फ एल्बर्ट का मतलब ये नहीं कि ये बादशाह है, प्रिंसेस फ्लावी का मतलब ये नहीं कि ये हीरोइन है। लेकिन आप ये जानते हैं कि इस लेसन के अंदर अगर खवातीन ने सबसे अहम किरदार अदा किया है तो वो किसने अदा किया है? वो प्रिंस मदाम एंटनी डी मोबान ने सबसे अहम किरदार अदा किया, सही। हालांकि प्रिंसेस फ्लाविया ही हीरोइन रहेगी, लेकिन हीरोइन से बढ़कर जो लीडिंग किरदार अदा किया वो किसने अदा किया है? मदाम एंटनी डी मोबान ने अदा किया है। ब्लैक माइकल विलन रहा है, ये हमारा बॉगर है, अभी तक हमें हीरो नहीं मिला, सही ना। हीरो अभी ढूंढते कहीं ना कहीं मिल जाएगा इंशाल्लाह ताला। आगे चलते हैं, फिफ्थ कैरेक्टर जो है वो कौन है? वो आ जाते हैं, उनका नाम है कर्नल सै, सही नाम से इधर कर्नल है, लोग इसको कर्नल कहते हैं, इसलिए कर्नल होता है वो, सही। तो कर्नल सै नहीं, ठीक है ना। और इनके साथ इनका एक और साथी भी है जिसका नाम है कैप्टन फ्रिट्स, सही, कैप्टन फ्रिट्स नाम है इसका। और अगर इसका पूरा नाम लिखे तो इसका मतलब है, नाम पूरा इसका कैप्टन फ्रिट्स वॉन टर्लिंग,
TERLIHM ऐसे कुछ है, समथिंग लाइक दिस था। तो कैप्टन फ्रिट्ज वॉन टर्लिन जो है वो ये बनता है कैप्टन फ्रिट्ज, और ये दोनों ही जो है ये रूरिटेनियन आर्मी के लोग, ये रूरिटेनियन आर्मी में कर्नल है और रूरिटेनियन आर्मी में कैप्टन फ्रिट्ज है, सही। और ये दोनों बंदे, ये जो हमारा बोंगा है, ये जो बादशाह है, ये इनसे बहुत लॉयल, यानी कि कर्नल सैम और कैप्टन फ्रिट्ज वाकई में एक लॉयल किस्म के, एक वफादार किस्म के सोल्जर्स हैं, और इन्होंने हमेशा रूरिटेनिया को, रूरिटेनिया के तख्तोताज को महफूज रखने की भरपूर कोशिश की। और हमारे इस प्ले के अंदर भी, क्योंकि हमने आपको बताया ना कि ब्लैक माइकल हर मुमकिन कोशिश करेगा बादशाह को नुकसान पहुंचाने की, शुरू नॉवेल से लेकर आखिर तक, सही, और कई जगह पर नुकसान पहुँचाएगा भी, लेकिन हमेशा कॉलन सैम और कैप्टन फ्रिट्ज ने कोशिश करी है कि तख्तोताज को बचाया जाए, बादशाह को बचाया जाए, सही ना। और ब्लैक माइकल की बहुत सारे इंटेंशंस को नाकाम किसने बनाया, वो कॉलन सैम और कैप्टन फ्रिट्ज ने बनाया, कैसे कैसे बनाया वो हम आपको वक्त के साथ साथ बताएंगे, ठीक है। तो होपफुली आपको ये भी समझ में आया होगा। अच्छा, एक बड़ी अहम बात हम आपको बता दें, हाँ यार, कैप्टन फ्रिट्ज वॉन टर्लिन, अब देखिए नाम में इनके एक वर्ड आ रहा है टर्लिन, और कल हमने आपको बताया था कि रूरिटेनिया के बॉर्डर के करीब एक इलाका है जेंडा, सही ना, और जेंडा से जब हम बाहर निकलते हैं, बॉर्डर क्रॉस करते हैं, 5 माइल का सफर क्रॉस करते हैं, तो एक और इलाका है जिसका नाम था चैट्यू ऑफ टर्लिन। अब देखिए नाम से ही जाहिर हो रहा है चैट्यू ऑफ टर्लिन वहां पे भी आ रहा है, और कैप्टन फ्रिट्ज के नाम में भी टर्लिन आ रहा है, यानी कि इसका मतलब यह है कि चैट्यू ऑफ टर्लिन जो इलाका है, जो सल्तनत है, वहाँ के जो नवाब या रॉयल टाइप के जो लोग हैं, जो शाही खानदान है, वो शाही खानदान जो है वो कैप्टन फ्रिट्ज वॉन टर्लिन का डिस्टेंट रिलेटिव है। डिस्टेंट रिलेटिव समझ के दूर के रिश्तेदार लगते हैं ये, सही है। और इस जगह का बड़ा अहम किरदार है, हमारे नॉवेल का इख्तिताम जो होगा वो इस जगह और जेंडा के दरमियान में होगा, यानी जब हमारा नॉवेल का एंड हो रहा होगा तो चैट्यू ऑफ टर्लिन और जेंडा, ये दो लोकेशन है बड़ी इंपॉर्टेंट रहेंगी, सही। अच्छा, तो कैप्टन फ्रिट्ज के बारे में आपको बात कर चले, कैप्टन फ्रिट्ज का पूरा नाम है कैप्टन फ्रिट्ज वॉन टर्लिन, और चैट्यू ऑफ टर्लिन के जो लोग हैं, जो शाही खानदान हैं, जो वहाँ के नवाब टाइप के लोग हैं, वो इनके दूर के रिश्तेदार लगते हैं, यानी इनके अंदर रिश्तेदारी मौजूद है, सही। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई आप लोग। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं, थोड़ा सा और आपको डिस्क्रिप्टिव वे में समझाते हैं, क्योंकि ये सारी बातें ना इस तरह वर्बल समझना बहुत जरूरी है, ताकि आपको कहानी का अंदाजा हो जाए कि एक्चुअल में कहानी है क्या, हमें पढ़ना क्या है, हमें डिस्कस क्या करना है, ठीक है। तो कैप्टन फ्रिट्ज वॉन टर्लिन तक बात हो गई हमारी, अब हम आगे चलते हैं, आपको कुछ और करेक्टर्स के बारे में बताते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो कैप्टन फ्रिट्ज वॉन टर्लिन के बाद हम मूव करते हैं मजीद कुछ करेक्टर्स की तरफ, और वो करेक्टर्स क्या हैं हम आपको बता देते हैं। देखिए, अब नाम आता है किसके हवाले से, द सिक्स के हवाले से। अब सवाल ये सर, ये द सिक्स कौन है? हाँ जी, अब हम बात करते हैं द सिक्स के हवाले से। द सिक्स से मुराद जब भी आपसे पूछा जाता है द सिक्स का मतलब ये होता है 6 बंदे, सही। 6 बंदे कौन कौन है पहले हम आपको बता देते हैं। एक बंदा है जिसका नाम है डैचर्ड, एक बंदा है जिसका नाम है डिकॉर्टेड, एक बंदा है जिसका नाम है बर्सोनिन, सही है ना, एक जो है उसका नाम है लॉन्गरम, एक बंदा है उसका नाम है क्राफ्टीन, और एक और बंदा है जिसका नाम है रूपर्ट ऑफ हेंजा, सही। ये 6 बड़े अहम लोग हैं। इन 6 में से ये जो 3 मैंने लिखे हैं, ये डैचर्ड, बर्सोनिन और डैचर्ड डिकॉर्टेड और बर्सोनिन, ये तीनों जो हैं ये हैं फॉरेनर्स, सही। ये कौन है? ये फॉरेनर्स हैं, गैर मुल्की हैं। और ये जो 3 हैं, लॉन्गरम, क्राफ्टीन और रूपर्ट ऑफ हेंजा, ये तीनों जो हैं ये रूरिटेनिया के रहने वाले हैं, यानी ये रूरिटेनियन, सही। और ये बेसिकली कौन है 6 के 6? ये 6 का एक गैंग है बेसिकली, सही। ये 6 का क्या है बेसिकली? एक गैंग है। और इस गैंग का जो ऑनर है, जो इस गैंग को चलाता है, उसका नाम है ब्लैक माइकल।
सही है। अब सवाल ये सर, ये ब्लैक माइकल, ये गैंग, ये सब समझ में नहीं आ रही बात, ये सब क्या सीन है? लेकिन हमने आपको पहले ही बताया था कि जब तक ब्लैक माइकल छोटा था तो इसको दबा के रखा गया, मार के रखा गया, पीट के रखा गया, और इनको इनके राइट्स नहीं दिए गए, हुकूक नहीं दिए गए। लेकिन जैसे जैसे ब्लैक माइकल बड़ा होता गया तो इसने अपने हक के लिए आवाज़ उठानी शुरू करी, और इसने मुतालबा किया कि भाई मैं भी बादशाह का बेटा हूँ, मुझे भी बादशाह बनाया जाए। लेकिन जो रूरिटेनियन लॉ था उसने इसको कभी भी आगे बढ़ने नहीं दिया। तो आप ये जानते हैं कि ब्लैक माइकल ने फिर फैसला किया कि चलो अब शराफत से अगर राइट नहीं मिल रहा तो फिर हम क्या करेंगे, हम कंट्रोवर्सी करके, गुंडागर्दी करके जो है वो अपने राइट्स हासिल करेंगे। और प्लस अकेला बंदा कुछ नहीं कर सकता था, इतनी बड़ी गवर्नमेंट, इतनी बड़ी पावर, इतनी बड़ी फौज, अकेला कुछ भी नहीं कर सकता था ब्लैक माइकल। तो ब्लैक माइकल ने फैसला क्या किया, ब्लैक माइकल ने एक गैंग बनाया, सही, और उस गैंग के अंदर इसने इनिशियली 6 बंदे हायर किए, सही ना। उन 6 में से इसने 3 को कहीं और से बुलाया था, हो गया, हम आपको बता देंगे वो सारे एरियाज के नाम। और जो 3 थे लॉन्ग रन क्राफ्ट रूपर्ट मेंजा, ये 3 इसने रूरिटेनिया से हायर किए, यानी 6 इसने बहुत ज्यादा हॉलीवुड टाइप के, बहुत गुंडे टाइप के इसने बंदे जो है इसने हायर किए। और इन 6 के अंदर सबसे ज्यादा जो एग्रेसिव था या जो बहुत ज्यादा कहने के ब्रूटल था, जालिम था, क्रूअल था, सही ना, वो कौन था, वो रूपर्ट ऑफ हेंजा था। और मजे की बात हम आपको बताते चलें, जो कि आपको याद रखनी है, हमसे कुछ दिन पूछा जाता है, इन 6 में से जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती जाएगी इसमें से ये बंदे हलाक होते जाएंगे, और बिल्कुल आखिर में सिर्फ वाहिद जो है वो कौन बचेगा, वो रूपर्ट ऑफ हेंजा बचेगा। तो अक्सर पेपर में पूछा भी जाता है कि कौन सा बंदा था जो इनमें से आखिर में जिंदा रहा था, तो वो रूपर्ट ऑफ हेंजा था, और ये पकड़ा भी नहीं गया था, और ये ठीक है जी। तो सबसे ज्यादा ब्रूटल, क्रूअल, जालिम, जाबिर, पूरा बेसुरा इंसान वो था रूपर्ट ऑफ हेंजा। यूं समझ लें कि ब्लैक माइकल का जो राइट हैंड था वो कौन था, वो था रूपर्ट ऑफ हेंजा। और यूं समझ लें कि जितनी भी ब्लैक माइकल की गुंडागर्दी थी और सारे मसले मसाइल थे और जो उसकी दहशत थी, वो सब किसकी वजह से थी, वो इन सब की वजह से थी, लेकिन उसमें इनसे सबसे बड़ा हाथ जो था वो किसका था, रूपर्ट ऑफ हेंजा का था, सही। अच्छा, एक और बात हम आपको यहीं कहीं बताते चलें कि वैसे तो हम ये देख रहे थे यहाँ पर कि मदाम जो है वो इश्क में गिरफ्तार है ब्लैक माइकल के, और ब्लैक माइकल ऐसा प्रिटेंड करता है, ऐसा शो ऑफ करता है कि उसे भी ब्लैक मदाम से मोहब्बत है, लेकिन ऐसा एक्चुअल में नहीं है। लेकिन जिस तरह मदाम सीरियस है ब्लैक माइकल के लिए, सही ना, बिल्कुल उसी तरह ये जो रूपर्ट ऑफ हेंजा है ये भी बड़ा सीरियस है किसके लिए, मदाम एंटनी डी मोबान के लिए। और आप ये जानते हैं कि अब सीन क्या होने वाला है, ये खुद ही समझ सकते हैं आप कि मदाम तो कहने के जाहिर सी बात है लॉयल है माइकल से, लेकिन रूपर्ट जो है वो बेचारा बहुत लॉयल है मोबान से, और यही वजह है कि कई मरतबा वो कोशिश करेगा कि मोबान से वो कोई रवाबित कायम करे और जो है ना कोई रबता कायम हो उसका, लेकिन मोबान लिफ्ट ही नहीं कराती। मोबान क्यों लिफ्ट नहीं कराती, जाहिर सी बात है करानी भी नहीं चाहिए, मोबान एक बहुत अमीर कबीर एक बड़ी रईस है, और क्या वो चाहेगी कि वो अपने लवर के नौकर से कोई रिलेशन रखे, कभी भी नहीं चाहेगी। और प्लस मोबान चाहती ना चाहती, लेकिन मोबान बहुत लॉयल थी किसके साथ, ब्लैक माइकल के साथ। लेकिन उसी तरह रूपर्ट ऑफ हेंजा भी बहुत ज्यादा लॉयल था, बहुत मोहब्बत करता था मोबान से, लेकिन मोबान ने उसे कभी भी घास नहीं डाली, कभी भी लिफ्ट नहीं करा, ठीक है, खैर बात। और आपको पता चले यही पंगा है जिसकी वजह से रूपर्ट ऑफ हेंजा की काले माइकल से एक दफा एंड में फंडा भी होगा। और हम आपको एक एक्सक्लूसिवली बात बता देते हैं, जो कि बतानी नहीं चाहिए लेकिन हम बता देते हैं आपको, चूंकि कहानी तो बनानी है, बतानी तो है, ऐसी बात है कि आप जानते हैं फिल्मों में होता है विलन मारा जाता है, लेकिन हमने देखा फिल्मों में विलन किसके हाथों से मारा जाता है, हीरो के हाथों से मारा जाता है, लेकिन अभी तक हमने आपको अपने लेक्चर में हीरो का जिक्र नहीं किया। लेकिन हमारे इस कहानी बड़ा अजीब सा होने वाला है कि हमारा जो विलन है वो हीरो के हाथ से नहीं मारा जाएगा, बल्कि अपने ही बंदे रूपर्ट ऑफ हेंजा के हाथों से मारा जाएगा, और मारने की वजह जो होगी वो कौन होगी, मोबान होगी,
सही ना? और वजह क्यों होगी? क्योंकि रूपर्ट को बड़ा बुरा लगेगा कि ब्लैक माइकल मोबाइल को यूज कर रहा है, और रूपर्ट को उससे भी ज्यादा बुरा लगेगा कि जब जब रूपर्ट मोबाइल से मिलने की कोशिश करता है, बीच में दीवार कौन बन के आ जाता है? वो ब्लैक माइकल आ जाता है। तो इसी वजह से रूपर्ट का और ब्लैक माइकल का खड्डा भी हुआ था, और वो खड्डा इतना शदीद हो गया था कि रूपर्ट और हैंसन के हाथों से काले माइकल की क्या हो गई थी? वो मौत वाकई हो गई थी। ठीक है, तो ये बात हमने आपको आखिर बतानी थी, लेकिन खैर आखिर बताएं शुरू बताएं, ठीक है, लेकिन हमने आपको बता दिया। सही, याद है, बात क्लियर हो गई आपको, रूपर्ट भी समझ में आ गया आपको। और अब आपको एक बड़ी अहम बात बताते हैं इन सारे करेक्टर्स के बाद, अभी करेक्टर्स और भी हैं, लेकिन चूंकि बीच बीच में कुछ कुछ बातें ऐसी आती हैं जो लिंक करती हैं लोगों से, तो वो हम आपको बताते जाते हैं। तो हम आपको बताते हैं, रुक जाइए जरा एक मिनट, कहीं जब तक बिठाकर भूल ना जाऊँ मैं, लेकिन इंशाल्लाह भूलूँ नहीं अल्लाह का शुक्र। तो देखिए जी, अभी हम आपको बताते हैं काले माइकल का और हमारे ब्लैक माइकल साहब का मसला। देखिए, आपको हमने इसे बताया भी अभी कि ब्लैक माइकल जो है उनकी वफात होगी किसके हाथ से? रूपर्ट ऑफ हैंसर के हाथों से। सही है जी, ये तो खैर बात की बात, जब मरेंगे मरेंगे जब देखेंगे। लेकिन अभी सीन क्या, आपको हमने शुरू में बताया कि ब्लैक माइकल की जो मदर थी, सही है ना, वो एक सर्वेंट थी, और सर्वेंट होने की वजह से ना मदर का कोई राइट था ना ब्लैक माइकल का राइट था, यानी कानूनी तौर पर इन दोनों को फूटी कौड़ी भी नहीं मिलनी चाहिए थी। यानी कानून के मुताबिक और लॉ के मुताबिक और सारी बातों के मुताबिक जब मदर सर्वेंट थी तो बेटा भी सर्वेंट होना चाहिए था, सही ना, और गरीब होना चाहिए था, फकीर होना चाहिए था इन लोगों को। लेकिन और कानून के मुताबिक भी इनको तख्त और ताज में से कुछ मिलने वाला नहीं था। लेकिन इन सारी बातों के बावजूद अगर हम आपको ब्लैक माइकल के दो और नाम बताएं, तो ब्लैक माइकल का एक नाम था क्या? ब्लैक माइकल का एक नाम था ऑनर ऑफ जेंडा, सही है, और इसका एक और नाम भी था जो कि आप जानते हैं, वो क्या था? आपको भी हमने बताया था स्ट्रेलसा, STRELSAU, जो कि कैपिटल है कहाँ का? रूरिटेनिया का, सही ना? तो आसान लफ्जों में आप समझ लीजिए कि ब्लैक माइकल जो है स्ट्रेलसा का नवाब भी था, यानी इसको कहा जाता था ड्यूक ऑफ स्ट्रेलसा, यानी ब्लैक माइकल को ड्यूक ऑफ स्ट्रेलसा, स्ट्रेलसा का नवाब भी कहा जाता था, और ऑनर ऑफ जेंडा, जेंडा का मालिक भी कहा जाता था। अब सवाल ये कि सर, एक तरफ तो आप हमें बता रहे हैं कि ब्लैक माइकल जो है ना फकीर का बेटा है, नौकरानी का बेटा है, और रूरिटेनियन लॉ ये कहता है कोई हक नहीं मिलेगा, एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी, एक आना नहीं मिलेगा, एक पैसा नहीं मिलेगा, ना ये बादशाह बनेगा, ना कुछ ना कुछ ना कुछ। तो सर, जब कुछ भी नहीं मिलेगा तो इतनी सारी चीजें कहां से मिल गई? आप देखिए ना, जेंडा कोई फलस्तीन का हिस्सा तो है, जेंडा कौन सा है? रूरिटेनिया का हिस्सा है, और स्ट्रेलसा, सर ये तो रूरिटेनिया कैपिटल सिटी है, यहां कैसे कब्जा कर लिया? तो असल में ये सब कुछ जो ब्लैक माइकल को मिला, इसमें कहीं ना कहीं बेवकूफी शामिल थी किसकी? वही बोंगे मिया की, किंग रुडोल्फ एल्बर्ट की। अब हम आपको बताते हैं हम इनको बेवकूफ क्यों कहा हमेशा, क्योंकि किंग रुडोल्फ एल्बर्ट जो है वो दिल का बहुत अच्छा, और एल्बर्ट ये कहता था कि यार ठीक है, अब्बू ने नौकरानी से शादी की, ब्लैक माइकल है, जो भी थे नौकर है कुछ भी है, लेकिन देखा जाए तो है तो मेरा भाई, सही है, और कहता जब मेरा भाई है तो जाहिर सी बात है इसका भी हक बनता है, कानून माने ना माने, लेकिन ब्लैक माइकल को बहुत कुछ दिलवाने में वो कहीं ना कहीं हमारे बोंगे का भी हाथ था, और बोंगा इतना लीनियंट, इतना सॉफ्ट था ब्लैक माइकल को लेकर कि उसने कभी भी ब्लैक माइकल की हासिल की हुई चीज पर कोई उसने अपना पावर नहीं दिखाया, सही ना, बल्कि वो ये कहता गया कोई बात नहीं, मेरा हक है तो मेरे भाई का भी हक है, ठीक है ना। तो इसकी इस लीनियंसी की वजह भी थी कि ये नवाब बन गया था कैपिटल का और जेंडा का मालिक बन गया था, और दूसरी वजह क्या थी, इसका जो गैंग था, जो रूपर्ट ऑफ हैंसा था, जो इनकी गुंडागर्दी थी, वो भी एक वजह थी इन सारे जगहों पे कब्जा करने, सही। तो होपफुली आपको ये वाला आंसर भी मिल गया होगा कि कुछ ना मिलने के बावजूद भी ब्लैक माइकल के पास इतना कुछ कैसे आया, तो होपफुली आपको ये भी समझ में आ गया होगा, सही।
अब हम चलते हैं मजीद और करेक्टर्स की तरफ। हमने आपको ये छह करेक्टर तो समझा दिए। अब जैसा कि अभी अभी हमने आपको बताया कि ब्लैक माइकल जो है वो ऑनर ऑफ ज़ेंडा है, ज़ेंडा का मालिक है। तो ज़ेंडा का मालिक से मुराद ज़ेंडा स्मॉल टाउन का मालिक नहीं, बल्कि पर्टिकुलर एक ज़ेंडा जो किला था, जो कैसल था, उसका मालिक है। लेकिन ब्लैक माइकल ने अपने ज़ेंडा के अंदर एक बड़ा कंट्रोल रखा हुआ। जैसे हम समझा देते हैं, सपोज कर ले, मैं आपको समझाता हूँ, ये पूरा का पूरा है हमारा, ये है हमारा पूरा का पूरा ज़ेंडा कैसल है। ये सपोज कर ले आप, ये पूरा हमारा ज़ेंडा कैसल। अब मैं आपको ज़ेंडा कैसल समझाता हूँ कि ज़ेंडा कैसल की जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है वो क्या है। बेसिकली ज़ेंडा के दो हिस्से हैं, सही। एक ज़ेंडा कहलाता है, उसको हम कहते हैं न्यू ज़ेंडा, सही। और एक हिस्से को हम कहते हैं ओल्ड ज़ेंडा। यानी किताब में भी ये बताया गया है कि ज़ेंडा जो इमारत है, जो ज़ेंडा कैसल है, उसको दो हिस्सों में ब्लैक माइकल ने डिवाइड किया हुआ है। एक का नाम रखा हुआ है न्यू ज़ेंडा और एक का नाम रखा हुआ है ओल्ड ज़ेंडा, ठीक है। अब न्यू ज़ेंडा बेसिकली किस तरीके का है? न्यू ज़ेंडा जो है वो बेसिकली रेजिडेंशियल इलाका है, सही ना, रेजिडेंशियल टाइप का इलाका है ये। और यहाँ पर इसने रिहाइश रखी हुई है, इधर बहुत सारे जो है ना वो घर बने हुए, मकानात बने हुए, सही ना, कंपार्टमेंट बने हुए। उन बहुत सारे कंपार्टमेंट्स के अंदर एक कंपार्टमेंट में आजकल कौन रह रही हैं? वो मोबान रह रही हैं। और एक कंपार्टमेंट में कौन रहता है? वो रहता है ब्लैक माइकल। और इनके कंपार्टमेंट में थोड़ा सा डिस्टेंस है, थोड़े से फासले पर, सही। अच्छा, इनका जो मेन, जो ज़ेंडा का जो मेन दरवाज़ा है, सही ना, हम बना देते हैं इस तरीके से, ज़्यादा अच्छी ड्राइंग नहीं है, मैं ऐसे रंग चलो बनाते हैं, ठीक है। जो मेन दरवाज़ा है उसके ऊपर कहा जाता है ब्लैक माइकल के जो है ना पांच सर्वेंट्स जो हैं, पांच सर्वेंट्स जो हैं वो हर वक्त मौजूद रहते हैं, ठीक है ना। इन पांच सर्वेंट्स के अंदर एक सर्वेंट बड़ा खासम खास है, जिसको बताया गया है जुहान करके, JOHAN। अब ये जुहान बेसिकली कौन है? ये इसको किताब में नाम दिया गया है गेम कीपर का, सही है। क्या नाम दिया गया है? गेम कीपर। हालांकि यहाँ कोई गेम नहीं हो रहा, असल में गेम कीपर क्यों कहा गया है? क्योंकि बगैर देखा जाए तो ये सिक्योरिटी इंचार्ज है पूरे ज़ेंडा का, यानी ज़ेंडा की पूरी सिक्योरिटी, जो मेन गेट है उस पर सिक्योरिटी, उसके साथ जो बंदे खड़े रहते हैं वो सारे जुहान के कंट्रोल में है, सही। और जुहान को गेट कीपर के बजाय गेम कीपर क्यों कहा गया है? क्योंकि जुहान को जो है एक मुखबर के तौर पर इसमें दिखाया गया है। जुहान वैसे देखा जाए तो दिलो जान से ब्लैक माइकल का आदमी है, लेकिन जुहान को थोड़े अरसे बाद हम दिखाएंगे, आपको बताएंगे कि इसको जो है ना दूसरी तरफ कर लिया गया था, ये दूसरों से मिल गया था और अंदर की सारी इन्फॉर्मेशन ब्लैक माइकल की है दूसरों को मिला था, यानी मुखबर का, इन्फॉर्मर का इसने किरदार अदा किया है। तो एक बहुत बड़ा गेम रचाया गया था, तो उसलिए उस वजह से क्या कहा गया, इसको गेम कीपर कहा गया कि इसने पूरा गेम रचाया था, ठीक है। जुहान नाम है इसका और सर बाकी सर्वेंट्स होते हैं जो गेट कीपर होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये तो हो गया मेन गेट हमारा, ठीक है। अब एक और बात हम आपको बताते हैं, ओल्ड ज़ेंडा बेसिकली क्या है। असल में ओल्ड ज़ेंडा जो है वो एक एरिया है, एक इलाका है इसी कैसल के अंदर। और उस ओल्ड ज़ेंडा के अंदर आप जानते हैं एक कमरा बना हुआ है, इसमें बहुत सारी जगह है लेकिन एक खास कमरा है। और बल्कि पहले आपको बताते हैं कि इसका लिंक क्या है नए ज़ेंडा से। अगर आप ओल्ड ज़ेंडा में जाना चाहते हैं तो आपको एक पुल पे से गुजरना पड़ेगा। आपको कहाँ से गुजरना पड़ेगा? एक पुल से। यानी पुराने ज़ेंडा और नए ज़ेंडा को जो कनेक्ट करता है वो एक ड्रॉ ब्रिज करता है। ड्रॉ ब्रिज समझते हैं हम लोग, DRAW ड्रॉ और BRIDGE ब्रिज। तो ड्रॉ ब्रिज जो है वो कनेक्ट करता है इन दोनों एरियाज को, सही ना। और किस तरह से कनेक्ट किया जाता है वो हम आपको बता देते हैं। ये एक पोर्टेबल ब्रिज है। पोर्टेबल से मुराद जब रात हो जाती है तो इस ब्रिज को हटा दिया जाता है और जब सुबह हो जाती है तो इस ब्रिज को अटैच कर दिया जाता है। और ये सीधा अटैच हो रहा है एक ऊंचाई पर बने हुए कमरे से। जैसे मैंने कमरा बनाया ये किसी कॉर्नर में है तो, लेकिन ये जमीन पर नहीं है बल्कि ऊंचाई में, क्योंकि कैसल की बात हो रही है। और नॉर्मली पुराने दौर के जैसे जो कैसल वगैरह होते थे वो पहाड़ों पर और टीलों पर बनाए जाते थे, टेढ़े मेढ़ी दीवारें होती थी उनकी, सही ना। तो इस तरह से ये एक कमरा है। इस कमरे की खास बात क्या है? इस कमरे की खास बात यह है कि जब आप इस कमरे में एंटर होंगे दरवाजे से, सही ना, तो थोड़ा सा गैप छोड़कर एक और दरवाजा है, ठीक है, और फिर एक और कमरा है। यानी कमरे के अंदर कमरा है,
ठीक है ना, और उसकी क्या हकीकत है हम आपको बताएंगे। अच्छा, इस कमरे में एक विंडो भी है, सही है, एक विंडो अटैच है, और इसके अलावा क्या है वो भी हम आपको बताते हैं। अच्छा, इस ब्रिज की जो चाबी है, जो की है, वो सिर्फ और सिर्फ किसके पास है, वो ब्लैक माइकल के पास है, इस ब्रिज की चाबी, और किसी के पास इस ब्रिज की चाबी नहीं है। और रात होने पर अब ब्लैक माइकल ताले जो है वो खोलता है और इसको ब्रिज को हटा देता है वहां से, सही है। अच्छा, और इसके बाद अगर आप चाहते हैं कि नए जेंडा से ओल्ड जेंडा में जाएं, तो एक तो ये रास्ता है, और एक और रास्ता भी है कि अगर आप यहां से नहीं जा रहे तो आप यहां से एक शॉर्टकट लगाएं, सही ना, और शॉर्टकट लगा के आप यहां से बाहर निकलना चाहिए। सबसे अहम बात जो हम आपको बता देते हैं, इस जेंडा की चारों दीवारों की तरफ मौत बनी हुई है, सही। अब आप ये परेशान हो रहे होंगे, सर ये मौत क्या होती है, देखिए हम आपको बताते हैं मौत क्या होती है। अक्सर हम लोग कार्टून देखते हैं, अक्सर हम लोग हिस्टोरिकल फिल्म्स देखते हैं, उसमें दिखाया जाता है जो पुराने दौर के किले होते थे उनकी चारों दीवारों के बिल्कुल साथ साथ गहरे गहरे खड्डे हुए हुए होते थे, काफी चौड़े चौड़े, और उसमें पानी भरा हुआ होता था, और अगर कोई घोड़े भागते हुए आ रहे होते थे, सही ना, तो उन्हें अंदर जाने के लिए क्या होता था, दरवाजा जो है वो ऐसे नहीं खुलता था, बल्कि रस्सी से जो है वो यूं करके दरवाजा यूं पैक हुआ होता था और वो यूं करके उतारा जाता था। तो उससे क्या होता था कि वो जो बीच में पानी वाला हिस्सा था वो उस रास्ते से कवर्ड हो जाता था, यानी ब्रिज का किरदार अदा करता था, और वो जो घोड़े या जो भी होते थे वो उस दरवाजे के ऊपर से होते हुए अंदर जाते थे, और फिर वो रस्सी में दरवाजा बंद कर दिया जाता। तो इसका भी ऐसी सीन है कि यहाँ पर भी चारों तरफ पानी है। सवाल ये सर, ये मॉट क्यों बनाई गई है, तालाब क्यों बनाए गए चारों तरफ? असल में पुराने दौर में ये होता था कि जो फौज आती थी लड़ने के लिए, तो वो कैसल की दीवारों को नुकसान ना पहुंचा सके, दूर रहे कैसल से, ठीक है ना, और वो दीवारों पे चढ़ ना सके, सही ना, इसीलिए वहां पे कह लें बीच में पानी बनाया था, तालाब बनाया था, उसको मॉट कहा जाता था। तो ये मॉट यहाँ पर ही मौजूद है। और सबसे अहम बात क्या है, ये जो मैंने कमरा बताया था, यहाँ से पाइप कंस्ट्रक्ट हुआ है, और ये पाइप जो है सीधा कहाँ उतर रहा है, उस मॉट के अंदर, पानी के अंदर। और इस पाइप की और इस कमरे की बड़ी वैल्यू है, ये मैं आपको बताऊंगा आगे चल के, इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है, ठीक है ना, ये मैं बिना वजह नहीं बता रहा आपको, ये बड़ा अहम किरदार, ये सबसे समझ लें हमारी कहानी का जो मेन मरकज होगा वो यही जेंडा होगा, सही है, जो हमारी कहानी का इख्तिताम होगा वो इसी लोकेशन पे होगा, सही। अच्छा, अब ये पानी है यहाँ पे, अगर आपको बताया मैंने एक तो रास्ता ये आपका, दूसरा क्या है, अगर आप यहाँ से जा रहे हैं तो यहाँ से निकले आप बाहर, यहाँ पानी है, पानी में स्विमिंग करें आप, और स्विमिंग करके आएंगे तो यहाँ पर एक और खुफिया दरवाजा मौजूद है, छोटा, जो चोर दरवाजा कह रहे हैं, ये तो मेन दरवाजा है, ये चोर दरवाजा, अगर आप चाहें तो आप इस दरवाजे से एंटर होकर भी नए जेंडा में शामिल हो सकते हैं, आ सकते हैं, और इस जगह का भी इस्तेमाल किया गया है एक जगह पर, और मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। तो फिलहाल आपको ये बात समझ में आ गई होगी होपफुली, ठीक है, तो ये वाली बात क्लियर हो गई। तो जेंडा भी हमने आपको बता दिया, तो असल ये जेंडा, इस जेंडा, ये जो ओल्ड जेंडा है, इस जेंडा के अंदर ब्लैक माइकल ने अपनी एक छोटी सी आर्मी भी बनाई है, यानी इसकी अपनी एक गुंडागर्दी वाली आर्मी है, सही ना, जो कि जो है ना कहने इसके लिए काम करते हैं, बंदे मारना, बंदे उठाना, ये सारे इसकी एक अपनी मिलिशिया है, सही है, इसकी अपनी मिलिट्री है, सही है, ठीक है जी। तो ये वाला हमने आपको समझा दिया, ये आर्मी है, मिलिशिया है इसकी, और ये सारे इसका एक पूरा समझ लें गैंग, इसकी एक सल्तनत छोटी सी ब्लैक माइकल की, जहाँ इसने अपने फौजी पाले हुए थे, बंदे रखे हुए थे, गैंग बनाया हुआ था। और एक तरह समझा जाए तो ये जो कमरा मैंने आपको बताया ना, ये लोकेशन की जेल है, और वो जो हमने नाम लिखा है ना, प्रिजनर ऑफ जेंडा, जेंडा का कैदी, तो जो बंदा जेंडा का कैदी बनेगा उसको कैदी बनाकर कहाँ रखा जाएगा, इस वाले कमरे में, इस वाले कमरे में, यानी ब्रिज से आकर दरवाजा खोलेंगे तो कमरा, फिर एक और दरवाजा खोलेंगे तो एक और कमरा, यहाँ लाके उस प्रिजनर को कैद किया जाएगा। तो ये हमारी लोकेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, तो हमने आपको बता दिया चौहान। अब एक दो कैरेक्टर और हम आपको बता दें, जैसे एक और करेक्टर है, उसका नाम है मैक्स हॉफ। अब सवाल ये सर, ये मैक्स हॉफ कौन है? असल में ये मैक्स हॉफ जो है, ये ब्लैक माइकल का, ये ब्लैक माइकल का बॉडीगार्ड है, सही ना, यूं समझ लें कि इसका बॉडी सर्वेंट है, हर वक्त ब्लैक माइकल के साथ रहता है, सही है। और सबसे अहम बात क्या है, मैक्स हॉफ जो है वो भाई है किसका, वो जोहान का भाई है, सही है, यानी जोहान भी ब्लैक माइकल का आदमी है, लेकिन वो कैसल संभालता है, सिक्योरिटी संभालता है,
और मैक्सॉन जो है वो ब्लैक माइकल का पर्सनल बॉडीगार्ड। सही, तो बताने का मकसद क्या है कि जोहान जो है, जैसे कि इसका नाम मैक्स ऑफ है लेकिन इसका जो नाम है वो जोहान है, लेकिन जोहान इसका नाम है, इसको प्यार से क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है फ्रॉलिन हॉफ कहा जाता है, क्योंकि दोनों भाई हैं, तो असल में इसका नाम है मैक्स ऑफ और जोहान का असल नाम है फ्रॉलिन हॉफ। सही, लेकिन इसको मशहूर जोहान के नाम से किया गया। ठीक है, एक और करेक्टर है जिसका नाम है जोसेफ। ये जोसेफ बड़ा अहम करेक्टर है। जोसेफ बेसिकली कौन है, ये हमारा एक डोमेस्टिक सर्वेंट है, हमारे से मुराद बादशाह सलामत का बॉम्बे का डोमेस्टिक सर्वेंट है, और इसकी खासियत, इसकी अहमियत इस बात से है कि बादशाह को बचाते हुए जोसेफ बेचारा क्या हो जाएगा, वो मारा जाएगा, वो हलाक हो जाएगा, कहाँ होगा, कैसे होगा, ये हम आपको बताएंगे अगले लेक्चर में, तो होपफुली आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अच्छा, एक और कहानी करेक्टर पर बताता हूँ आपको, एक और भी करेक्टर है इसके अंदर, उनका नाम है काउंटेस ऑफ हेल्गा। सही, काउंटेस ऑफ हेल्गा, सही है, और ये जो काउंटेस ऑफ हेल्गा है ये बेसिकली प्रिंसेस फ्लाविया की असिस्टेंट है। सही ना, काउंटेस हेल्गा नाम है इनका, काउंटेस ऑफ हेल्गा अगर लिख दिया, काउंटेस हेल्गा है इनका नाम, और इनका पूरा नाम है काउंटेस हेल्गा वॉन स्ट्रॉफजिन, STROFZIN। तो काउंटेस हेल्गा वॉन स्ट्रॉफजिन नाम है इनका, और ये प्रिंसेस फ्लाविया की चमची है, मतलब असिस्टेंट नहीं है उनकी। सही ना, हर वक्त उनके साथ साथ उनकी साथ लगती हैं, घूमती हैं, चलती हैं, फिरती हैं, उनका ख्याल रखती हैं, तो ये काउंटेस हेल्गा वॉन स्ट्रॉफजिन है। तो भाई यहाँ तक होपफुली आपको समझ में आया होगा कंप्लीट, मैंने कुछ हद तक आपको करेक्टर समझा दिया, कुछ हद तक कहानी समझाई। असल कहानी का सत्य बाप बेसिकली है कि ब्लैक माइकल ने पूरी कहानी में कोशिश करनी है कि बोंगे को नुकसान पहुंचाया जाए, उसको बादशाह ना बनने दिया जाए, लेकिन ब्लैक माइकल ने अपने प्लान तो बहुत जबरदस्त बनाए, लेकिन कहीं ना कहीं उसके प्लान जो है वो नुकसान पे जाते रहे, शिकस्त खाता रहा वो, और शिकस्त कैसे खाए, क्या क्या हुआ वो हम आपको बताएंगे इंशाल्लाह इंट्रोडक्शन पार्ट 3 में, क्योंकि बहुत सारी कहानी है, पूरा प्ले है, और इंशाल्लाह पूरा हम वर्बल डिस्कशन इसी करेंगे, तो अल्लाह ने चाहे इंशाल्लाह अगली क्लास में आपसे मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।